जब भी हमेशा जब निंजा लास्ट में बेस्ट है ना, तो एक बार यही सोचना पड़ेगा कि भाई अभी भी पूरा टीम अप है, यही सोचना पड़ेगा, क्योंकि अकेला वो बंदा मार ही सकता है, पेल भी सकता है। क्या सीन क्या है अभी? माननीय भाई ने यहाँ पे क्या कर कर क्या रहे? स्टेज कौन सा है? को चारे खानों चित कर सकोगे, बट फिलहाल अगर बात करी जाए टीम एक्सपाथ की तरफ से, अगर आप देखिए तो शैडो है उनको डाउन कर दीजिएगा। स्प्रे गॉड ऑलरेडी इस मुकाबले से 4P करके कौन सा टीम है ये? 4P पेका बाहर हो चुके। निंजा जॉय यही बोल रहा है क्या? ये ड्रेकन पेका, ये तो अंडरडॉग प्लेयर्स है। ये पेका वाला टीम का एक बार बैन वाला सीन हुआ था ना, शायद से हुआ था क्या? पेका मोर्टिस इसको चारे खानों चित कर सकोगे शैडो गिर गया है, निंजा जोड़ अकेला है मिनी मैप पे। मेरे को निंजा यहाँ पे अकेला ही दिख रहा है फिलहाल। शायद अगर से बात करी जाए टीम एक्सपाथ की तरफ से, अगर आप नहीं, देखें तो पर्पल टीम है शैडो ओके, है नीचे उनको डाउन कर दीजिएगा। स्प्रे गॉड ऑलरेडी इस मुकाबले से बाहर हो चुके। पर्पल में क्या निंजा है? रेड है, जॉर्ज जितना प्रयत्न जितना प्रयास उनसे हो सकता है वो लगातार कर रहे हैं। हाथ में बढ़िया। OS12 के इसका फाइनली टीममेट पेका क्यों को नहीं रहा डाउन इसके साथ करते हुए ट्रेड नजर के आएंगे, लिए? बट क्या उस नॉक ने वो बंदा इधर दिखा भी है, इधर इस साइड में दिखा है उसको, निंजा को दिख गया है वैसे। को फिनिश करना चाहेंगे, क्योंकि गिल एक टीपीपी एंगल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और निंजा जॉर्ज बढ़िया भाई। जानते हैं भली भांति तरीके से, ये अनुभवी खिलाड़ी है, एकमात्र ऐसा खिलाड़ी जिसको ये रोक तो पाना नामुमकिन रहा। टीम 4P के इन प्ले करेगा टीम आइकूसोल को, कि जब आप थर्ड पार्टी करने आए थे ना, आपका तो यही आईक्यूसल विचार थर्ड था पार्टी करने कि आया है पहले क्या यहाँ पे? निंजा जॉर्ज को जाके समाप्त करा जाए। वो स्टिल अभी भी आपकी ये तो बिल्डिंग में आरफोर्ड रबड़ी, समाहित तो बने हुए ये हैं। जब आप अपना ऊपर की तरफ जाना चाहोगे तो ओ भाई जरूर चुनौती फेस दलजीत करता का ना टीम है ट्राइड ना। वो खिलाड़ी। और लीजिए नाइस, एक नहीं दो दो भाई, दो प्लेयर्स को, तीन तीन प्लेयर्स को डाउन कर दिया जाएगा। क्या एक दोबारा से व्हाट द लग दो हेल, दो निंजा जॉर्ज को जाके समाप्त करा जाए। वो स्टिल अभी भी आपकी बिल्डिंग पे सर्वाइव कर रहे हैं, यानी कि जब इसको आप आइडिया नहीं। चलो एक को तो ऊपर की मारना तरफ तो जाना बनता चाहोगे है तो जरूर जी, चुनौती पेश करता ना दूसरा ट्राइड वो तो खिलाड़ी। और लीजिए एक ओ नहीं भाई दो दो ये प्लेयर्स तो को, बढ़िया तीन मारा। तीन प्लेयर्स को डाउन कर दिया जाएगा। क्या उसका एक एचपी कितना है? दोबारा से असंभव लगातार एक 1v4 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 ऑलरेडी निंजा जॉर्ज दिखा असंभव चुके, बट जोकर एकमात्र इकलौता प्लेयर जिनके कंधों पे अभी आवाज तो आ पूरा रहा है। दारू मदार। निंजा जॉर्ज ओ जानते भी हैं गया कि हुआ रिवाइवल कंप्लीट होगा दरवाजा तो बंद किया परेशानियां इन दी एंड उनके लिए ही पड़ेंगी। और यही एक सही मौका है आगे जाने प्रॉपर के लिए, वन वी वन क्लोजिंग ना। करना चाहिए FPB पे। चलिए फाइनली स्विच करेंगे एक अच्छे एंगल की तलाश में, बट अभी फिलहाल दोबारा से वेपन को रिलोड करते नजर आएंगे और टीम आईक्यूसोल कंप्लीटली बैकफुट पे नजर आ रही है। ये लीजिए एक एक करके वो फिनिशर्स ओ पॉइंट को कंफर्म। वो नेड पे पेल गया, नाइस। एक्चुअली वो वो नेड पिन करने का साउंड आ गया ना तभी। बात ये क्या करिए है, कि वापस उनकी वही है टीम क्या? लेके जतिन जब भी खेलते हैं वो टीम अगर अच्छा ये जैसे तो खेलती है वो बीजीएस का है, चलती मेरे को है। याद है भाई। वो नेड का आवाज आ गया, उसको भी पुश कर दिया भाई। निंजा जोड़ ऑफ कोर्स ऑन फायर ब्रो, अभी तो पूरा टीम जीत गया है, अभी तो मतलब खतरनाक है। यस यही है भाई, पहला जो तीन बंदे को जो मारा है ना, वो तो मैं बोलूंगा कि भाई वो सामने वाला टीम ही मेरे को बहुत ऑफ गेम ही दिख रहा था, वो लोग उतना कोऑर्डिनेशन कर ही नहीं रहा था। अब देखो दूसरा जो मारा है ना ब्रो, वहां पे सब कुछ इसको बैठा चारे हुआ है। खानों चित अब ये टीम जो है, एक एक कर एक एक सकोगे, बंदा बट आ रहा है फिलहाल भाई, अगर बात करी ये जाए तो निंजा के टीम लिए तो भाई एक्सपर्ट ऐसा की तरफ खेल अगर है, आप ऐसा देखें खेल तो सकता है शैडो है तो उनको डाउन कर दिया जाएगा। देखो स्प्रे गॉड ऑलरेडी इस इतना टाइम मुकाबले पुल से ऑफ कर बाहर हो रहे हैं चुके। निंजा, निंजा एक को वन डी जॉर्ज वन लेने के जितना लिए, वो पिक्का प्रयत्न को वन डी वन जितना करने के लिए, प्रयास और इधर स्टेयर्स में अभी भी वो एक बंदा जो है बैठा हुआ है, वो शायद हील कर रहा है कि क्या मालूम, उनसे हो सकता है वो आइडिया लगातार नहीं। कर रहे हैं। अगर हील कर रहे हैं तो पिक्का को इसके अंदर आना भी नहीं चाहिए था। पिक्का शुड वेट फॉर द पर्सन टू हील, एंड दो बंदा मिलके आनी चाहिए। नाउ दिस हैज हैपेंस व्हेन व्हेन यू आर इन एन अंडरडॉग टीम, एंड तुम एक हाथ में अंडरडॉग टीम से OS12 जब खेल रहे के हो और फाइनली पिकर को डाउन करते एंड यू हुए नजर फेस आएंगे, अ बट टीयर क्या वन उस प्लेयर, नॉक प्लेयर को तुम्हें फिनिश करना ये गलती चाहेंगे, तो क्योंकि नहीं गिल करना चाहिए एक टीपीपी बेसिकली। एंड एंगल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और निंजा देन जॉर्ज यू जानते एक हैं एक एक भली एक बंदा आ भांति रहा है, देख तरीके से नीचे से एक भाग अनुभवी के आ रहा है, खिलाड़ी वो है, तो ऐसे ही किल्स एकमात्र ऐसा लेके चला खिलाड़ी गया। जिसको रोक पाना अब देख, नामुमकिन। नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट टीम अप्रोचिंग टू निंजा, और निंजा टीम ने फोर ऑलरेडी 4 किल ऑलरेडी लेके भी रखा हुआ है। नाउ टीम देयर इज अ फाइनली प्रेडिक्ट की टीम प्रोफेशनल आईक्यूसोल टीयर को, वन कि टीम जब आप थर्ड पार्टी जो कर रहे अभी हैं तो अप्रोच आपका करेगा, और यही उनकी विचार अप्रोच था देखना, कि पहले निंजा जॉर्ज को जाके समाप्त करा जाए। वो उनका अप्रोच स्टिल अभी देखना भी आपकी बिल्डिंग पे ठीक सर्वाइव है, कर रहे हैं, यानी कि सब जब आप एक साथ ऊपर की घुस तरफ रहा जाना। है। मतलब सी सब, वो तो निंजा ने अपना जिगल देख के एकदम प्रॉपर इनको पूरा 1v4 एकदम प्रॉपर लिया है, तब जाके जाओगे वो तो जी जरूर मिला चुनौती है। पेश करता ना पर जो ट्राइड वो अप्रोच था खिलाड़ी। वो और ओपी लीजिए अप्रोच एक है, नहीं दो दोस्त को डाउन तीन कर तीन दिया प्लेयर्स जाएगा। को उसने क्या एक साथ ही एक गिरा दिया। दोबारा से ऑफ कोर्स शॉटगन वाले लगातार गेम कि प्ले एक तो यार वन वी फोर स्टेयर्स वन में वी तो ऐसे ही फोर एक होता वन है वी फोर यार। ऑल तुम एक जगह पे मार, एक जगह पे बैठ के तुम जब शॉटगन मारेगा और तुम एक्सपेक्ट करेगा सब गिरेगा, ऐसा होता ही नहीं है। इट्स वेरी सिंपल फॉर द ओपोनेंट्स टू एक्चुअली गेट अ फ्री किल, बट जो जिगल देता है ना, जो जिगल देता है खतरनाक, बिकॉज इन द एंड इनके पास भी वही शॉटगन्स है, ठीक है, इनके पास भी वही देखो DBS लेके बैठा हुआ है, एक मारते ही वहां पे भाई थप्पड़ गिर के मर जाएगा। बट क्योंकि वो जिगल ऐसा दे रहा है कि भाई वो एम करना ही मुश्किल हो जाता है, वो जिगल देख के
जो एक्यूरेसी दे रहा है निंजा, और उस वजह से यू नो ओपी हो जाता है और उस वजह से 1v3 1v4 निकल जाता है। क्या निंजा जोर तो है ही यार, वो तो अपने को लैंड पे ही दिख गया। या कोई बोलेगा कि भाई वैसा वैसा फ्री में वैसा मिला है, नहीं है बंदे को तो भाई हमेशा जब भी हमेशा जब निंजा लास्ट में बेस्ट है ना, तो एक बार यही सोचना पड़ेगा कि भाई अभी भी पूरा टीम अप है, यही सोचना पड़ेगा, क्योंकि अकेला वो बंदा मार ही सकता है, पेल भी सकता है। अब मेन चीज मैं तो नहीं बोलूंगा वो क्या ना, जो अंडरडॉग टीम को मारना तो चलो ठीक है, वो तो यू नो निंजा जोड़ जितना कैपेबिलिटी ऑलमोस्ट सारे टीयर वन टीम को, बट वो आईक्यू सोल को 1v4 मारना, मतलब दैट इज समथिंग यू नो हैंड्स ऑफ, और यू नो वो एक समथिंग है जो हमेशा देखने के लिए नहीं मिलता है, जब तुम एक साथ कोऑर्डिनेटेड पुश जब करते हो एक टीम और उनको मारना मतलब बहुत हार्ड रहता है।